मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया जाए तथा गीरा सभागार में उद्यमियों के साथ बैठक करते हुए सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों को चालू करने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए कहा कि शासन के गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर उद्यमियों द्वारा कच्चा माल लाने, उत्पादों की सप्लाई आदि की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा एवं संयुक्त आयुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि वे फेज वाइज इंडस्ट्रीज की सूची तैयार करें तथा लेबर, रॉ मटेरियल एवं प्रोडक्ट का मूवमेंट प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि एक साथ सभी उद्योगों को संचालित नहीं किया जा सकता है। उद्यमी अपने कम से कम श्रमिक लगाएं, सभी श्रमिक एक साथ ना लगे और उन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। यह भी सुनिश्चित हो कि उनकी रहने की व्यवस्था भी अन्यत्र ना हो तथा उनके आने जाने हेतु निश्चित कार्य क्षेत्र इंकित करते हुए पास जारी किया जाए ताकि वे इधर उधर पास लेकर ना जाने पाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को छुपाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की जरूरत है, बल्कि तत्काल प्रभाव से चिकित्सालय पहुंचे ताकि उनके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित हो, क्योंकि बचाव ही इसका उपाय है। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, संयुक्त आयुक्त उद्योग, अपर निदेशक स्वास्थ्य सहित उद्यमी मौजूद रहे। प्लांट में एक गड्ढा आ जाता है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तो रात में लेबर उसके अंदर गए नहीं होंगे। आपसे क्या कहें और आप हमसे क्या, आप हमारी कंपनियाँ समझिए, ज़्यादा पास देने से कोई प्रॉब्लम पास ये की मानिए, कई बार मैं भी चौराहे पर खड़ा हुआ इस जिले में और जिलों में खड़ों को मैंने चेक किया है, वो बड़ा बिजी यूज करते हैं पास। पास कभी कभी कहना नहीं चाहिए लेकिन वो उसका जैसे कि पास हो गया तो हम वीआईपी टाइप हो गए, इस टाइप से तो कोई नौकरी पास नहीं है सर। वो मैंने देखा इंडस्ट्री वालों को नहीं है नहीं, मैं जनरल बात कह रहा हूँ इसलिए, लेकिन उसके मद्देनजर हमने चीजें चलाना है, चीजें